अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो पजल कर रहा है सबको, रिजल्ट्स की डेट का। तो बेटा ये कंफर्म है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब तक की कंफर्म न्यूज़ है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। 10th का रिजल्ट 16 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया जाएगा। सेकेंड ईयर का रिजल्ट 30 सितंबर 2021 को, 30 सितंबर 2021 को अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया है, मैट्रिक और जो इंटरमीडिएट पार्ट टू है उनको उन्होंने पास कर दिया है। सो, वैसे तो रिजल्ट डेफिनेटली उन्होंने देना है, पेपर चेकिंग हुई है, लेकिन फिर भी हमें एक जो पर्टिकुलरली ग्रेड्स कह लें, मार्क्स कह लें, जिसकी टेंशन होती है, वो वाला रिजल्ट हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर लाहौर बोर्ड अनाउंस करेगा। सेकेंड थिंग इज दैट के कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे 9th के और 1st ईयर के जो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनका रिजल्ट कब आएगा, आएगा अभी कि नहीं आएगा। तो बेटा ये कन्फर्म है, अभी तक फॉर 9th एंड फॉर 1st ईयर डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं रिजल्ट की। पेपर तो डेफिनेटली आपने दिए हैं, अब दो ही पॉसिबिलिटी हैं, तो वो कंप्लीट पेपर का जो पेपर चेकिंग प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट करके आपका रिजल्ट उन्हीं 3 से 4 पेपर्स जो आप लोगों के कंडक्ट हुए हैं उन्हीं की कैलकुलेशन से आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट के अब रिजल्ट को क्यों वेट में डाला जा रहा है, डिले में डाला जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोगों का थोड़ा सा डिले हो या फिर 10th में तो डेफिनेटली होने ही है पेपर। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना, वो कहते हैं कबल अज़ वक्त होगा, सो इसलिए इसके बारे में फिलहाल कहना कि क्या पॉलिसी आने जा रही है ये अभी हम कुछ भी क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, फॉर 9th जो 10th में जा चुके हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, इदारे खुले हैं और क्लासेस हो रही हैं। आप जिस भी अकेडमी में जाते हैं आप अपनी क्लासेस, स्कूल जिस भी स्कूल में आपका हिस्सा है, आप किसी कोचिंग सेंटर जाते हैं, आप किसी ट्यूशन सेंटर जाते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका वक्त बहुत कीमती है, स्पेशली अगर हम पिछले 1.5 साल को रिवाइंड करें तो उस 1.5 सालों में हमने कुछ गेन नहीं किया। तो आप लोगों के लिए जो न्यू क्लास है वो एक नया चैलेंज है। न्यू क्लास न्यू चैलेंज कैसे है, अगर 10th जो है वो बगैर कुछ किए, 9th के पेपर्स भी नहीं दिए, 10th के 3 पेपर दिए, 4 पेपर दिए, प्रमोट हो गई है और आगे जाके अब अगर उन्हें फेलियर नहीं कह सकते कि आगे जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने को मिले, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा एवरेज बच्चा एफएससी प्री मेडिकल कर रहा है या करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सो जो टाइम है इसको यूटिलाइज करें, पढ़ें, अपना कोर्स कंप्लीट करें, इसी से आपको आप नेक्स्ट जो सक्सेस है उसे हासिल कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों के जहन में क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।